जय श्री कृष्णा साथियों, एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हम पढ़ रहे थे संश्लेषित रेशों के प्रकार, पढ़े थे रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कुछ किताब के टॉपिक को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके देखते हैं संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, गुणधर्म क्या है देखो, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। संश्लेषित रेशे शीघ्र सूखते हैं। पहला पॉइंट, संश्लेषित रेशे शीघ्र सूखते हैं। संश्लेषित रेशे शीघ्र सूखते हैं। फिर देखो और क्या है संश्लेषित रेशों में, ठीक है, शीघ्र सूखते हैं। यदि जलाव कम नहीं है, आसानी से उपयोग हर प्रकार से सुविधा जरूर होते हैं, ठीक है। ये भी का गुणधर्म है, अधिक जगह लंबे समय तक चलते हैं, कम महंगे महंगे भी कम होते हैं, ठीक है, कम महंगे आसानी से उपलब्ध हर कहीं स्थान पर आपके मिल जाते हैं, ठीक है। ये भी का गुणधर्म है, आसानी से उपलब्ध, ठीक है। और क्या है देखो, आसानी से उपलब्ध और हर प्रकार में सुविधाजनक, ठीक है, आसानी से उपलब्ध और हर प्रकार में सुविधाजनक, रखाव में सुविधाजनक, रख रखाव में सुविधाजनक, सुविधाजनक होते। फिर देखो और क्या है, ठीक है, तो ये है इसके कुछ गुणधर्म जो इनको और भी मजबूत व टिकाऊ बनाते हैं। अब संश्लेषित रेशों के अंदर हमने रेयॉन, नायलॉन और पॉलिएस्टर को पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लास्टिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्लास्टिक। प्लास्टिक के बारे में भी हम उन चीजों को देखेंगे जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम क्वेश्चन, आप इसको अपने कॉपी के अंदर लिखते रहेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ही आपको इसका बेनिफिट है। अब देखो प्लास्टिक के अंदर क्या है, सबसे पहले लिखे संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, ठीक है। संश्लेषित रेशों की तरह, संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक की क्या है, बहुलक है। संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। फिर देखो और क्या है इसमें, आगे देखो प्लास्टिक को आसानी से, प्लास्टिक को आसानी से सांचे में गाड़ा जा सकता है, सांचे में डाला जा सकता है, आसानी से सांचे में गाड़ा जा सकता है। फिर देखो क्या है, प्लास्टिक को आसानी से सांचे में गाड़ा जा सकता है और इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है और इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है और इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है
कोई भी आकार दिया जा सकता है। ठीक है, फिर देखो कोई भी आकार देते प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। ये लिखे प्लास्टिक का पुनः चक्रण। ठीक है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, मतलब प्लास्टिक को अधिक एक से अधिक बार काम ले सकते हैं। आज वर्तमान समय में हमारी हर जरूरत के सामान है वो प्लास्टिक के रूप में उपलब्ध है। जहाँ पहले हम धातुओं के बने सभी प्रकार के साधन काम लेते थे, वहां प्लास्टिक हमारे नहाने के कप बर्तन ये हो, टैब हो, चाहे बाल्टी हो, चाहे मग हो, खाने पीने के प्लास्टिक के आइटम हो, चाय पीने के जो पानी सिकुड़ आता वो पानी पीने के लिए हो, पानी पड़ने के लिए हो, पानी लाने के लिए हो, चारों तरफ प्लास्टिक के हर सांचे के अंदर उपलब्ध है और वही मजबूत और टिकाऊ प्लास्टिक भी आने लगे। ठीक है, तो प्लास्टिक को हर प्रकार के चक्रण में ढाला जाना संभव है और इसका चक्रण भी किया जा सकता है। और आगे देखो इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। ठीक है, ये भी अलग अलग तरह के प्लास्टिक के एक है। ठीक है, प्लास्टिक को रंगा व पिघलाया जा सकता है, जा सकता है। फिर देखो और क्या प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक को रंगा और पिघलाया जा सकता है तथा इसकी तारें बनाई जाती हैं, इतने अधिक विभिन्न प्रकार के उपयोग हैं। और क्या है, इसमें ही लिखो या तो कर लिखो फिर आगे हम आराम से और लिखते हैं। ठीक है, ये लिखो ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत हो जाता है, विकृत जाता है, जैसे पानी की बोतल वगैरह वगैरह विकृत हो जाता है, उसे थर्मोप्लास्टिक क्या नाम दिया गया, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं, थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे प्लास्टिक है, इसके अंदर और भी है, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो अभी हमारा जो है चैप्टर उसमें संश्लेषित रेशों के गुणधर्म को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने देखा था कि संश्लेषित रेशे शीघ्र सूखते हैं और ये अधिक चलाओ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। वही सेकेंड टॉपिक है हमारा प्लास्टिक, जो हमने अभी शुरू किया है। प्लास्टिक वाले में हमारा देखो कि संश्लेषित रेशों की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, जैसे संश्लेषित रेशे होते ना उसी तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक की तरह होते हैं। प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है, ये भी आप इसमें देख सकते हैं। और इसके साथ प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है और प्लास्टिक को किसी भी रूप में आकार में बढ़ा जा सकता है, कोई भी आकार रूप दिया जा सकता है और प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी संभव है, प्लास्टिक का पुनः चक्रण भी संभव है। साथ ही और क्या है, प्लास्टिक को अलग अलग प्रकार के रंगों में रंगा जा सकता है, वह पिघलाया भी जा सकता है। ऐसा प्लास्टिक, इस प्रकार का ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत हो जाता है उसे थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर विकृत, जैसे कि पानी की बोतल है उसको आपने गर्म किया, विकृत हो गई, आसानी से आप उसको मोड़ सकते हो सरलता पूर्वक, तो वो कैसा प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। क्या कहलाता है, थर्मोप्लास्टिक। तो ये हमने प्लास्टिक के शुरुआती चरण में पढ़े, अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसके अंदर और कुछ जो प्लास्टिक से संबंधित है उसको और अच्छे से भी देखेंगे और उसमें क्या क्या होते हैं वो भी देखेंगे, और फिर प्लास्टिक के अन्य प्रकार की क्रियाओं और उसके अन्य वैकल्पिक पदार्थों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो साथियों यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया है उसको आप
बैठे किताब के सहारे से आसानी से पढ़ लीजिए और शानदार तरीके से आपको ये समझ भी आ जाएगा। जय श्री कृष्णा, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।